फ्रेंड्स, आई एम नीता थापा। मैं आपको आज कर्ल्स करना बताऊंगी। मैं अपने हेयरों में ही कर्ल्स करना बताती जो आपको 5 मिनट के या 10 मिनट के अंदर जो इजी रहता है, जल्दी से जल्दी आपको कहीं जाना रहता तो बराबर आप कर सकते हैं। इसके लिए मुझे टॉम चाहिए रहेगा, जो कर्ल्स करने की मशीन होगी, एक कंघी चाहिए रहेगी, कॉम चाहिए रहेगा, बस और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ, इसको मैं चालू करती हूँ। जितने भी आपका डिग्री है, ये 220 है तो आप 220 पे से ले जा सकते हैं। हाई डिग्री रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको मेंटेन नहीं कर सकते तो 180-200 अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से आपको वो करना है, बट मैं इसे यहाँ पे 220 कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने जो हेयर है उसको मैंने ये टॉप में बांध लिए हैं। इस तरीके से आप अपने हेयर लेंगे और ये टॉप में कर लेंगे। अब इसको आप ज़्यादा से डिवाइड कर देंगे, जैसे 1/5 में डिवाइड करके उसे कर्ल्स पूरे हम कर लेंगे। 5/4 जितने आपको हो सके उतने कर सकते हैं। हमने यहाँ किया है 1, 2, 3, 4 and 5, उसी को हम कर्ल्स करेंगे। 5 और 6 भी कर सकते हैं जितना आपका आ जाए। ये गर्म हो चुका है तो इसको आपने लिया, ऐसे करके आपने पूरा किया, इसको आपने कर्ल्स करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, या गिनती गिन लें 1 से 16 तक, कि ताकि सबका लेवल आपका बराबर आए। ठीक है, आप जब देखेंगे तो इस तरीके से इसमें आप ले के रोल्स बालों को निकाल निकाल के, जैसे मैंने बताया 5-6 ले सकते हैं। अब ये लिया, इस तरीके से आपने खींच देगा, आपने टॉम को रोल किया। सारे आप अपने सारे रोल्स हेयर को रोल कर लेंगे। ये धुआं निकल रहा है तो ये नहीं सोचे कि आपके बाल जल रहे हैं, मॉइस्चराइज रहते हैं, इसलिए हाथ से धुआं निकलता है। सारे हमने निकाल दिया, अपने टॉम को बंद कर देंगे। ये इस तरीके से आपके हो गए। जब हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से देख रहे हैं आप, पूरे हेयर मेरे रोल्स हो चुके हैं। अब आप इसमें चाहें तो क्लचर लगा के सामने, अगर आप क्लचर ही लगाएंगे तो पूरे आपको दिखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।